विधानसभा के जो सत्र की अवधि है उसको लेकर आज फिर से संसदीय मंत्री ने कटाक्ष किया, कहा है कि विपक्ष क्योंकि दो भाग में बटा हुआ है, चलाना नहीं चाहते, इस वजह से छोटे सत्र करना पड़ रहा है। इनके बोलने से क्या होगा? विपक्ष तो चाहता है लंबा से लंबा सत्र हो। ये पहली बार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब बजट सत्र को इतना छोटा किया गया है। कांग्रेस जो है वो प्रश्नों का सामना नहीं करना चाहती, छत्तीसगढ़ के विकास के ऊपर में, समस्याओं के ऊपर में चर्चा नहीं करना चाहती। ये तो संसदीय परंपराओं की हत्या है कि जो हमारा बजट का सत्र कम से कम भी 23 बैठकें होती थी, आज उन बैठकों को 13 बैठक कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार चर्चा से भाग रही है, और भागने के कारण, चर्चा नहीं करवाने के कारण अभी तक इस सरकार के आने के बाद से एक भी सत्र पूरा नहीं हुआ है। सभी सत्र अपने समय सीमा से कम पर समाप्त हो गए हैं। तो ये सरकार बहुत दुर्भाग्यजनक है कि लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं को तोड़ना, संसदीय इतिहास को धूलमिल करना, छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बहुत गौरवशाली परंपराएं रही है उसकी अगर हत्या करने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस की सरकार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस कितने गुटों में बटी हुई है यह सबको मालूम है। चन्नी साहू क्या कर रही है, टीएस सिंहदेव क्या कर रहे हैं, मोहन मरकाम क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तीन भागों में बटी हुई है। एक कांग्रेस राहुल कांग्रेस है, एक कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो है वो प्रियंका कांग्रेस है। अगर हम कहेंगे तो जो प्रियंका कांग्रेस है उसका नेतृत्व मोहन मरकाम जी कर रहे हैं, जो राहुल कांग्रेस है उसका नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो टीएस सिंहदेव कर रहे हैं, और जो प्रियंका कांग्रेस है उसका अगर नेतृत्व कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल कर रहे हैं। और इसलिए इनमें सामंजस्य नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की, संसदीय परंपराओं की हत्या हो रही है, छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया। कल एक घटना घटी राजधानी में, शादी में घुस के चाकूबाजी की गई, 5-6 लोग उसमें घायल हो गए। ये सिर्फ राजधानी में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्योंकि कानून व्यवस्था के देखने वाले जो पुलिस प्रशासन है उसमें जो नियुक्तियां हैं उसमें सीनियरिटी के आधार पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, उस पर लेन देन के आधार पर थानों की नीलामी हो रही है, पदों की नीलामी हो रही है। जब पैसा देकर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोग कि कोयला क्षेत्र में किसको जाना है, खदान क्षेत्र में किसको जाना है, उसकी बोली लगती है, उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बिना पैसे के अब छत्तीसगढ़ में कहीं पर कोई काम नहीं होता है, और उसके कारण छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब छत्तीसगढ़ का हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यूपी चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कितने लोग आप लोग जा रहे हैं? देखिए, यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ से लगभग 50 से ज्यादा लोग जा रहे हैं, और सब लोग ऐसे लोगों को भेजा गया है जो मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो विधानसभा क्षेत्रों में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के लोगों को दी गई है। आप भी जा रहे हैं, आप कौन से क्षेत्र में जा रहे हैं? मुझे जिम्मेदारी दी गई है ब्रिज क्षेत्र में, पीलीभीत विधानसभा और बैरागढ़ विधानसभा की, और वहाँ पर कल हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्था को देखेंगे।